नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय है, जिसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय है। सभी अध्याय आप स्टोरी विथ रणजीत पर एक बार जाकर जरूर सुन लीजिए। संपूर्ण मानव जाति के समृद्धि, कल्याण, सुख और शांति के लिए सभी को एक बार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। सभी वीडियो को बारी बारी से स्टोरी विथ रणजीत पर जाकर सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में समझाते हैं। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा तपोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी तीन प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत, प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। भगवान श्री कृष्ण स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान के बारे में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन तपोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, सुख और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सरा हुआ, अन्न के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनाशक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना
और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करने मन संबंधी तप कहा जाता है। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक यानी सतोगुणी तप कहा जाता है। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है उसे तामसी यानी तमोगुणी तप कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक यानी सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसी यानी रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी यानी तमोगुणी दान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ओम तत् सत् की व्याख्या करते हुए अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ओम यानी परम ब्रह्म, तत् यानी वह, सत् यानी शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में तीन प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा से यज्ञ दान और तप के रूप में जो भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।